सितंबर से 10 सितंबर तक ऋषि सेवा समिति के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का सेंदुली बेंदुली स्थित गणेश लाल में किया जाएगा आयोजन। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी कथा। ऋषि सेवा समिति के कोषाध्यक्ष प्रथम विष्णु नंद द्विवेदी ने दी जानकारी। रेलवे ने घुगली महाराजगंज होते हुए आनंद नगर तक लाइन बनाने का दिया स्वीकृति। 958.27 करोड़ की लागत से 52.7 किलोमीटर तक बनेगा लाइन। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। बाढ़ को देखते हुए नदियों के जलस्तर की पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा की जा रही प्रतिदिन मॉनिटरिंग। पुल के नीचे लगाया गया सेंसर सिस्टम प्रतिदिन मैसेज के माध्यम से देता है नदियों के जलस्तर की सूचना। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। ट्रेनों में कैंसिलेशन पर पूर्वोत्तर रेलवे CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, कैंट स्टेशन से कुसमी के बीच बनाई जा रही है तीसरी लाइन, जल्द ही बनकर हो जाएगा तैयार, नहीं होगी कोई भी ट्रेन कैंसिल। SP ट्रैफिक श्याम देव के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन सुगम अभियान। नो पार्किंग में खड़े वाहन चालकों को किया जा रहा है जागरूक। हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की जा रही है अपील। नियमों की अनदेखी करने पर की जा रही है कार्रवाई। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। ऋषि सेवा समिति के कोषाध्यक्ष प्रथम विष्णु नंद द्विवेदी ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि ऋषि सेवा समिति हर वर्ष पौराणिक कथा का आयोजन करती है। इस वर्ष श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान आयोजन 3 सितम्बर से 10 सितम्बर से दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक करने जा रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रवक्ता विद्या सिद्ध एवं ज्योतिष सम्राट काशी निवासी राघव ऋषि द्वारा किया जाएगा, जिसका आयोजन सेंदुली बेंदुली स्थित गणेश लाल में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 सितंबर को कलश यात्रा 10 बजे फुलवरिया शिव मंदिर से निकलकर कथा स्थल गणेश लाल पर जाएगी। इस अवसर पर ऋषि सेवा समिति के महासचिव बनवारी लाल निगम, सतीश सिंह, रमाशंकर त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऋषि सेवा समिति के कोषाध्यक्ष प्रथम विष्णु नंद द्विवेदी ने कहा, सूर्य गुरुदेव जी भगवान की जय। हमारा नाम विष्णु नंद द्विवेदी, ऋषि सेवा समिति कोषाध्यक्ष प्रथम। हम लोग, हमारे महासचिव बनवारी लाल निगम जी हैं, कार्यक्रम अधिशासी त्रिवेंद्र पाठक जी हैं, हमारे बड़े भाई उदय प्रताप नारायण सिंह संचालन से। ये कार्यक्रम विगत 25 वर्षों से गोरखपुर ऋषि सेवा समिति गोरख हर जगह करवाता आया है, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री विष्णु पुराण कथा, श्री शिव पुराण महाकथा, श्री भगवती कथा। इस वर्ष सिंदुली बिंदुली गणेश लान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ऋषि सेवा समिति इकाई कर रही है। 3 सितंबर दिन रविवार से प्रारंभ होकर के 10 सितंबर दिन रविवार को भंडारे के साथ उड़ाहूत होगी। सुबह 3 सितंबर फुलवरिया शिव मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी। फुलवरिया से गणेश लान मेरे लान तक जाएगी और शाम 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 6 बजे शाम काल तक चलेगी। उसके कथा क्या खास है, कौन आ रहा है? हमारे गुरुदेव जो विगत 25 वर्षों से राघव जी गुरु जी महाराज आ रहे हैं, ये ज्योतिष सम्राट हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्यात वक्ता श्री विद्या सिद्ध ज्योतिष सम्राट राघव ऋषि जी महाराज के मुखारविंद द्वारा ये कथा कही। 500 से 600 आदमी कम से कम जनमानस रहेगा, ज़्यादा भी हो जाएगा, कम से कम 500 से 600 जनमानस की व्यवस्था की गई जी। समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक, ये 1 हफ्ता। और इसमें इस बार कथा जो है, कथा के दरमियान जन्माष्टमी का प्रोग्राम है। हमारे कथा का भी जन्म प्रसंग भी है और जन्माष्टमी भी है, उस दिन विशेष प्रोग्राम होगा, जिसका समय होगा रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक। हम आप मीडिया बंधु से निवेदन करेंगे कि आप सभी साधारण आमंत्रित हैं और इस प्रकाशन को अच्छी तरह से दिखाएं। क्या नाम है आपका? श्री विष्णु द्विवेदी, कोषाध्यक्ष प्रथम। रेलवे ने घुगली महाराजगंज होते हुए आनंद नगर तक लाइन बनाने का स्वीकृति दिया है।
जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि भारतीय रेलवे लगातार विकास के लिए कार्य कर रही है। इस दिशा में वर्षों से अछूता महाराजगंज मुख्यालय जहां पर रेल लाइन की मांग चल रही थी, वहां पर गुगली से महाराजगंज होते हुए आनंद नगर के लिए रेल लाइन बनाने की स्वीकृति मिल गई है, जो कि 52.7 किलोमीटर लंबा होगा, जिसकी लागत 958.27 करोड़ है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश से बिहार के पश्चिम चंपारण के लिए नई रेलवे लाइन बनाने के लिए रेलवे बोर्ड ने नई रेल लाइन आनंद नगर घुगली वाया महाराजगंज को स्वीकृति दी है। इस रेल लाइन से पश्चिम चंपारण के साथ ही नेपाल के यात्रियों को भी लाभ होगा। ये रेल लाइन नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड के बीच घुगली स्टेशन से महाराजगंज होते हुए आनंद नगर तक जाएगी। इसकी लंबाई 52.7 किलोमीटर होगी और इस परियोजना पे 958.27 करोड़ रुपए लागत आएगी। परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए की पहली किश्त का आवंटन भी कर दिया गया है। नेपाल सीमा से जुड़ा महाराजगंज जिला मुख्यालय अब तक रेल नेटवर्क से जुड़ नहीं पाया था। माना जा रहा है कि इस नई लाइन के बन जाने से उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनों को नरकटियागंज और रक्सौल होते हुए उत्तर बिहार के रास्ते पूर्वोत्तर रेलवे के राज्यों को एक वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। साथ ही गोरखपुर नरकटियागंज रेलखंड पर ट्रैफिक का दबाव घटेगा। नई रेल लाइन में 9 बड़े और 14 छोटे पुल बनाए जाएंगे। इसमें कुल 7 स्टेशन होंगे, जिसमें आनंद नगर, महाराजगंज और घुगली क्रॉसिंग स्टेशन और 4 हाल्ट स्टेशन बनाए जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज सिंह ने कहा, भारतीय रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है और इस दिशा में वर्षों से अछूता महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर, जहां पे बहुत समय से रेल लाइन की मांग चल रही थी, वहां घुगली से महाराजगंज होते हुए आनंद नगर के लिए एक नई रेल लाइन बनाने की स्वीकृति मिल गई है। यह रेल लाइन 52.7 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी जो लागत कुल होगी वो 958.27 करोड़ होगी। तो इससे एक तो जो उत्तर भारत की हमारी ट्रेनें हैं जो उत्तर भारत से आती हैं और पूर्वोत्तर के राज्यों में जाती हैं, उनके लिए एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा और इस लाइन के बन जाने से जो गोंडा से ट्रेनें डायरेक्टली पनियावा बिना गोरखपुर आए हुए जा सकेंगी, जिससे जो ट्रैवल टाइम है उसका भी रिडक्शन होगा और रूट भी शॉर्टर होगा। तो इसका लाभ जो अधिक से अधिक हम लोग यात्री ट्रेनें भी चला पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेट ट्रेनें भी इस नई लाइन के माध्यम से चला पाएंगे। उस क्षेत्र में जो आनंद नगर घुगली महाराजगंज का क्षेत्र है, वह कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ एग्रो इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका डेवलपमेंट होगा इस नई लाइन के बनने से, तो उस क्षेत्र में काफ़ी विकास भी होगा। इससे जैसा कि मैंने बताया कि यात्रियों को एक शॉर्टर रूट मिल जाएगा, जिसमें बिना गोरखपुर आए ही यात्री गोंडा से अगर कोई ट्रेन चलती है तो वो लूप लाइन से आनंद नगर होते हुए महाराजगंज घुगली होते हुए पनियावा वाल्मीकि नगर रक्सौल को चली जाएगी। तो यात्रियों के लिए एक वैकल्पिक लाइन तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ ही जो उस क्षेत्र की जनता है उसका बहुत ज़्यादा विकास होगा। उस क्षेत्र में कुछ इंडस्ट्रीज़ भी आएंगी, क्योंकि परिवहन की जो एक व्यवस्था है और सबसे बड़ी व्यवस्था रेलवे ही है, तो उससे वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बूस्ट मिलेगा और यह जो नई लाइन होगी ये ब्रॉड गेज लाइन होगी और पूर्णतः इलेक्ट्रिफाइड। पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा बाढ़ को देखते हुए नदियों के जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा नदियों के जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए रेलवे के पुल पर सेंसर सिस्टम लगाया गया है, जिससे नदियों के जलस्तर की ऑटोमेटिक मैसेज प्राप्त हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि नदियों के जलस्तर की क्या स्थिति है। उन्होंने बताया कि जहां पर वाटर लेवल बढ़ रहा होता है वहां पर वॉचमैन भी रखे जाते हैं और वहां पर लगातार पेट्रोलिंग करके निगरानी की जाती है, यदि किसी तरह की समस्या हो तो रेलवे उससे निपट सके। उन्होंने बताया मानसून के पहले से पूर्वोत्तर रेलवे की तैयारी रहती है, बोल्डर्स की स्टॉक करके रखा जाता है, जिससे कहीं आवश्यकता हो तो लगाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, अभी जलस्तर की लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, इसके लिए जो पुल हैं रेलवे के उन पे एक सेंसर सिस्टम भी लगा रखा है, जो वाटर लेवल सुबह शाम दोनों टाइम ऑटोमेटेड मैसेज आते हैं, जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको मैसेज चला जाता है, जिससे पता चलता है जलस्तर की क्या स्थिति है। इसके अतिरिक्त स्टेशनरी वॉचमैन भी रखे जाते हैं जहां वाटर लेवल बढ़ रहा होता है, और रेलवे में पहले से ही जो संवेदनशील पैचेज हैं
उनको पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल मैन लगाए जाते हैं, जिससे अगर किसी प्रकार की समस्या होती हो तो रेलवे उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। साथ ही साथ अगर कहीं ब्रीच या इस तरह की समस्या कहीं आती है तो उसको लेकर रेलवे मॉनसून के पहले से तैयारी करती है, जिसमें बोल्डर्स और सिंडर्स वगैरह भी स्टॉक करके रखा जाता है, उसको ग्राउंड पे भी स्टॉक करके स्टेशनों पे रखा जाता है, नॉमिनेटेड स्थलों पर, और वैगन्स में भी रखा जाता है, जिससे अगर कहीं अर्जेंसी पड़ती है तो उसको डायरेक्ट चलाकर वहां पहुंचाया जा सके। तो रेलवे मॉनसून के पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर लेता है और उसके अनुसार रेलवे पर कार्य किया। पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा कैंट स्टेशन से कुसमी के बीच तीसरी लाइन बनाई जा रही है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर कैंट से कुसमी के बीच में तीसरी लाइन का कार्य चल रहा है, जिसका पूरा कार्य 5 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। ये कार्य पूरा होने से पूर्वोत्तर रेलवे की पहली तीसरी लाइन बन जाएगा, जो कि गोरखपुर का है। उन्होंने बताया कि तीसरी लाइन ना होने से ट्रेनों को रोकना पड़ता था, ये लाइन बन जाने से वो समस्या दूर होगी, जिसका लाभ यात्रियों को मिलेगा। इसके अलावा गोरखपुर कैंट स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन की तरह डेवलप करने का कार्य चल रहा है, वो भी इस पर निर्भर है कि इसके बन जाने से कार्य आसानी से शुरू हो जाएगा। इससे स्टेशन हाई क्लास का स्टेशन बन पाएगा और यात्रियों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, गोरखपुर कैंट से कुसमी के बीच में तीसरी लाइन का कार्य फाइनल स्टेज में चल रहा है और इसकी प्री NI 5 सितंबर तक पूरी हो जाएगी, उसके बाद NI होना है और 11 सितंबर को संभावित डेट है CRS इंस्पेक्शन का, जिसके बाद से इस लाइन का कार्य पूरा हो जाएगा और इसके पूरा होने से यह पूर्वोत्तर रेलवे की पहली तीसरी लाइन बन जाएगी कुसमी से गोरखपुर कैंट। तो यहाँ पे जो बॉटल नेक था, जिसकी वजह से ट्रेनें रुकती थी कई बार कुसमी स्टेशन पे, वो समस्या दूर होगी, जिसका लाभ यात्रियों को मिलेगा। साथ ही साथ जो गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के तौर पर डेवलप किए जाने का कार्य है, वह भी इस पर निर्भर था, यानी कि जब तीसरी लाइन कनेक्ट हो जाएगी और उसकी रिमॉडलिंग हो जाएगी, उसके बाद से ही जो प्लेटफॉर्म पर स्थित वर्तमान स्टेशन भवन है वो प्रस्तावित स्टेशन बिल्डिंग में शिफ्ट हो पाएगा। तो उसके बाद से उस प्लेटफॉर्म को फिर से उसको हाई राइज करना, हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाना है और सर्कुलेटिंग एरिया का जो विस्तार का कार्य है वह पूरा हो पाएगा। तो इस कार्य का होना बेहद आवश्यक है और इसी के चलते कुछ ट्रेनों को निरस्त किया गया है, लेकिन इस कार्य के पूरा होने से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और शहर वासियों को भी एक अच्छा सैटेलाइट स्टेशन मिलेगा। शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए SP ट्रैफिक श्याम देव के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑपरेशन सुगम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नो पार्किंग में खड़े वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। SSP के निर्देश पर इसको लेकर अभियान शुरू किया गया। आपको बताते हैं कि शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए गोलघर स्थित सभी प्रमुख बाजार में नो पार्किंग जोन है। इसके बावजूद भी काफी संख्या में लोग वाहनों को अवैध रूप से सड़क पर खड़ा कर देते हैं, जिससे रास्ते पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और आवागमन में लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इससे निजात पाने के लिए गोरखपुर पुलिस ने नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। साथ ही दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने सहित अन्य यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए अपील भी किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने कहा, गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और आम जनता की सहूलियत के लिए यातायात पुलिस लगातार सड़कों पर उतर के कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में यहाँ पर ऑपरेशन सुगम अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जो पब्लिक गैदरिंग के स्थान हैं जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर लोगों को जागरूकता अभियान चलाया गया। आम नागरिकों को और जो दुकानदार हैं जहाँ पर उनके ग्राहक आते हैं, गाड़ियाँ रोड पर खड़ी करते हैं, उनमें जागरूकता अभियान चलाया गया कि जो पार्किंग बनाई गई, जो नगर निगम की मल्टी लेवल पार्किंग गोलघर में है या फिर सिटी मॉल के सामने पार्किंग है, इसी तरह से और अन्य जगह पार्किंग की व्यवस्था है, तो उन्हें सबसे पहले गाड़ियां सड़क पर ना खड़ी करके पार्किंग में खड़ी करने के लिए जागरूक किया गया। इसी तरह से अन्य जो यातायात के नियम हैं उसके संबंध में भी जागरूकता अभियान
चलाया गया, सड़कों पर पैदल लाउड हेलर के माध्यम से भी अलाउंस करके और ITMS के माध्यम से भी लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके बावजूद भी जो लोग अगर यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ चेकिंग अभियान चला के भी यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की गई। अभी जो गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिख के चल रहे हैं या जो काली फिल्म लगा के गाड़ियों पर चल रहे हैं उनके खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया और उनके खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की गई। इसी क्रम में जो लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं या बिना सीट बेल्ट के चल रहे हैं उनके खिलाफ भी चेकिंग अभियान चला के कार्रवाई की गई है। तो इस तरह से यातायात पुलिस लगातार जो है सड़कों पर उतर के कार्रवाई कर रही है और ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार भी है, काफी अच्छी व्यवस्था हुई है यहाँ पर।